पति की दीर्घायु होने के लिए शनिवार को सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा और अपने सुहाग की रक्षा के लिए गौरी गणेश की पूजा अर्चना की। बैंक रोड के एमजी इंटर कॉलेज की गली में महिला समिति के सदस्यों ने करवा चौथ का व्रत रखा, गौरी गणेश की पूजा अर्चना किया तथा करवा चौथ की कथा की और व्रत के नियम तोड़ने के दुष्परिणामों को बताया। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को करवा देकर माँ गौरी से अपने पति के दीर्घायु होने की विनती की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला समिति की अध्यक्ष अरुणा नायर ने कहा, स्वस्थ हो गया इस पर इसका नियम, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संपर्क कर जाएगी। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव से इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, मोरा माता की जय। हमारा अरुणा नैयर नाम है। व्रत कार्तिक मास में चौथ के दिन होता है। हम सभी को इस व्रत का पूरे साल इंतजार रहता है। सभी सुहागने जो है इस व्रत को बड़े श्रद्धा से पूरे 16 श्रृंगार करके सजती हैं, संवरती हैं और गौरा माता की पूजा करती हैं। आज हम लोगों ने भी सभी लोगों ने हमारी गोरखपुर महिला समिति के महिलाओं ने व्रत रखा है और हम लोग जो है इस यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। गौरजा माता से अपने लंबे सुहाग होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसकी कथा भी है, सात भाइयों की एक बहन थी, उसकी जो है उसने जो है गलती से पानी पी लिया था नकली चांद को देख करके, तो जो है उसके सुहाग की मृत्यु हो गई थी। फिर उसने गौरजा माता से प्रार्थना करके तो उनको पुनः उनको जीवित किया था। इसी तरह की और भी कथाएं हैं। तो हम सब महिलाएं जो हैं इसी तो व्रत की बहुत इंतजार करते हैं, करवा चौथ व्रत की कथा। तो ऐसे हम लोग हर साल इसके अच्छे से विधिपूर्वक करते हैं।